17वीं सदी भारत में मुगलीय साम्राज्य का परचम फहरा रहा था। उस समय भारत का मुगल बादशाह औरंगजेब था। उसने पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में बीजापुर सल्तनत तक मुगलिया सल्तनत के झंडे गाड़ दिए। इस विशाल साम्राज्य में मंदिरों को तोड़ना, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराना एक आम बात हो चुकी थी, और जो लोग इसका विरोध करते उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता। इस जुल्म का विरोध करने के लिए कई महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, किंतु कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने औरंगजेब के अधीन कार्य करते हुए भी उसका सामना किया, लेकिन हमें उन लोगों के बारे में बहुत कम ही पता है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे महापुरुष की गाथा सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपका हृदय गर्व से भर जाएगा। दोस्तों, इस महाराजा ने पूरे राजस्थान में इस्लामीकरण होने से बचाया। दोस्तों, शायद अगर ये राजा नहीं होता तो आज पूरे राजस्थान में इस्लाम फैल जाता और आज राजस्थान में इस्लाम बहुसंख्यक होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है और आप देख रहे हैं अजीत सिंह राइसर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। बाद में आपकी मर्जी होगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें या नहीं करें। दोस्तों, आज मैं जिन महाराजा की बात कर रहा हूँ उनका नाम है महाराजा करण सिंह। दोस्तों, महाराजा करण सिंह को चांगलदर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, महाराजा करण सिंह का जन्म सन 1616 ईस्वी में बीकानेर में हुआ। इनके पिता का नाम महाराजा सूर सिंह था। इनके पिता बीकानेर रियासत के राजा थे तथा मुगल दरबार में मुगल बादशाह जहांगीर के यहाँ नौकरी करते थे। इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्हें बीकानेर का शासक बनाया गया। इनका शासनकाल सन 1631 से 1669 ईस्वी तक था। इन्होंने अपने शुरुआती शासन के दौर में कई सारे अभियान किए तथा मुगलों को विजय दिलाई। दोस्तों, इनके शासनकाल के अंतिम दौर में औरंगजेब कट्टर धार्मिक नीतियां अपना रहा था। औरंगजेब चाहता था कि पूरे भारत में इस्लाम फैल जाए। इसके लिए उसने पहले तो सीधे ही आम जनता पर जुल्म करना शुरू किया। उसने जजिया कर भी लगा दिया। औरंगजेब ने ऐसी धार्मिक नीतियां अपनाई ताकि इस्लाम के अलावा कोई दूसरे धर्म मानने वाले लोग अपने जीवन से ऊब जाए तथा इस्लाम स्वीकार कर ले, लेकिन वो इसमें ज्यादा सफल नहीं हो सका। फिर औरंगजेब के मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि अगर भारतीय राजाओं को इस्लाम स्वीकार करा दिया जाए तो शायद उनकी जनता भी इस्लाम स्वीकार कर लेगी। इसके बाद दोस्तों, औरंगजेब ने भारत के सभी हिंदू तथा मुस्लिम शासकों को एक पत्र भिजवाया कि आप सभी को मेरे साथ अफगानिस्तान चलना है। दोस्तों, अफगानिस्तान जाने से पहले अटक नदी को पार करना आवश्यक था जो वर्तमान में पाकिस्तान में। सभी हिंदू राजा यह मानते थे कि भारत की सीमा अटक नदी तक है। इसके आगे मलेच्छों के देश शुरू हो जाते हैं तथा इस नदी के पार जाना अपवित्र मानते थे। औरंगजेब को यह बात मालूम थी कि अगर कोई भी हिंदू शासक इस नदी के पार जाएगा तो अपने आप को धर्म भ्रष्ट मान लेगा। अगर फिर भी नहीं मानेगा तो मैं उसको जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवा दूंगा। और यह बात सभी हिंदू राजाओं को भी पता चल चुकी थी कि औरंगजेब क्या चाहता है। अब वह समय आ गया था जब सभी लोग अटक नदी के किनारे पहुंच गए। इसके बाद औरंगजेब ने सभी राजाओं को नाव में बैठने को कहा, किंतु मुस्लिम शासकों के अलावा कोई भी हिंदू शासक नाव में नहीं बैठा। औरंगजेब ने इसका कारण पूछा तो कोई भी राजा नहीं बोला, क्योंकि उनको पता था कि औरंगजेब के सामने बोलना मतलब औरंगजेब की बात काटने का क्या परिणाम हो सकता है। सभी राजा चुप थे कि इतने में महाराजा करण सिंह जी ने कहा, मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए हम आज यहीं पर रुकेंगे तथा जश्न मनाएंगे। हम कल सुबह नदी पार करेंगे। औरंगजेब ने भी कहा, ठीक है, कल सुबह मैं नाव भिजवा दूंगा, आप सभी आ जाना। सभी राजा करण सिंह की तारीफ करने लगे। इसके बाद सुबह हुई, नाव आ चुकी थी। महाराजा करण सिंह ने आगे बढ़कर नाव को तोड़ दिया और कहा, कोई भी हिंदू राजा इसके पार नहीं जाएगा, तथा विद्रोह कर दिया। सभी राजा जय जयकार लगाने लगे, महाराजा करण सिंह की जय हो, चांगलदर बादशाह की जय हो। दोस्तों, यह बात अब तक औरंगजेब को पता चल चुकी थी। उसने महाराजा करण सिंह पर बहुत क्रोध किया। एक बार के लिए तो उसने सभी शासकों को माफ कर दिया, किंतु उसके मन में करण सिंह को लेकर बहुत आक्रोश। दोस्तों, महाराजा करण सिंह को औरंगजेब के क्रोध का सामना करना पड़ा तथा औरंगजेब ने महाराजा करण सिंह को अपने पद से भी हटवा दिया। दोस्तों, औरंगजेब ने महाराजा करण सिंह की मनसबदारी भी छीन ली तथा उनके जीवित रहते उनके पुत्र को महाराजा घोषित कर दिया।
दोस्तों, अगर उस दिन महाराजा करण सिंह हिम्मत नहीं दिखा दे तो शायद उस दिन सभी हिंदू शासक इस्लाम स्वीकार कर लेते। अगर ये हो जाता तो सभी हिंदू शासक अपनी प्रजा को भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहते तथा पूरा राजस्थान इस्लामीकरण हो जाता। दोस्तों, महाराजा करण सिंह की वजह से आज राजस्थान की संस्कृति सभ्यता जीवित है और हमें इनके बारे में बहुत कम ही पता है। इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया है कि आपको महाराजा करण सिंह के बारे में पता चल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं महाराजा करण सिंह को जंगल दरबार शाह क्यों कहा जाता है। दोस्तों, बीकानेर का जो एरिया है वो एक जंगल क्षेत्र के अंदर। जंगल का मतलब है कि कांटेदार वृक्षों का क्षेत्र, यानी कि बीकानेर के आसपास को जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा कांटेदार वृक्षों का क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र को जंगल क्षेत्र कहते हैं तथा इस पर शासन करने वाले राजा को जंगल दरबार शाह की उपाधि दी जाती है। यह उपाधि सर्वप्रथम महाराजा करण सिंह को ही मिली थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों इस वीडियो को आगे से आगे जरूर से शेयर करें ताकि महाराजा करण सिंह के बारे में और भी लोगों को पता चल सके।